Assalamu alaikum. Good morning, students of class 5. Open your page number 8. On page number 8, today we work on question number 9. Okay, first of all, open your maths copies and maintain your page like this. First, write down complete date here, exercise 1B, page number 8. Exercise and page number aapko lazmi mention karna hai. Then make a line properly, write down complete question here and copy your part A, B, C and D. Okay? स्टूडेंट, यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, वहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है, राइट इन वर्टिकल फॉर्म, यानी कि आपके पास जो दिए गए नंबर है उनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है एंड सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट जो है वो आप ऑलरेडी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्शन करना बताऊंगी. ठीक है, ए में जो आपके पास नंबर गिवन है वो है 85,231,569 - 16,829,293. सबसे पहले हम इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, 85,231,569 इसमें से हम लेस करेंगे 16,829,293. लेस करेंगे हम लाइक दिस, 9 में से 3 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रहेगा 6. ठीक है, 6 में से 9 लेस नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे, और हमने 1 बोरो कर लिया, 5 के पास रिमेनिंग क्या रहेगा 4, क्योंकि 5 ने 1 बोरो कर लिया. 16 में से जब आप 9 लेस करते हो तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 7. 4 में से 2 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 2. 1 में से 9 जो है वो लेस नहीं हो सकता, तो हम अगेन 1 बोरो करेंगे. ठीक है, और यहाँ क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 2. नेक्स्ट नंबर से हमने 1 बोरो कर दिया, 3 के पास रिमेनिंग क्या रह गया 2. 1 एंड 1 क्या हो जाता है 11. 11 में से 9 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 2. ठीक है, 2 में से 2 को लेस किया 0. देन 2 में से 8 जो है वो लेस नहीं हो सकता, अगेन नेक्स्ट नंबर से हम 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 4, क्योंकि वो क्या था 5. 1 एंड 2 क्या हो जाता है 12. 12 में से 8 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास 4. 4 में से 6 लेस नहीं हो सकता, अगेन हम जो है नेक्स्ट नंबर से 1 बोरो कर लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, रिमेनिंग 7, क्योंकि वहाँ क्या था 8. 14 में से आप 6 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास 8, और 7 में से 1 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 6. सो स्टूडेंट, जब हमने 85,231,569 में से 16,829,293 को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 68,402,276. ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर. क्लियर है बात. नाउ बी, बी में आपके पास क्या गिवन है, 20,360 - 38,745. तो हम इसको वर्टिकल वे में राइट करेंगे. सबसे पहले 20,360, then 38,745. अब हम लेस करेंगे लाइक दिस. ओके, 0 में से 5 लेस नहीं हो सकता, तो हम नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 है. 6 से 1 बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 5. 1 एंड 0 क्या हो जाता है 10. 10 में से 5 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 5. 5 में से 4 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1. ठीक है, देन 3 में से 7 अगेन लेस नहीं हो सकता, तो हम बोरो करेंगे, और बोरो हम 2 से करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ 0 है, और 0 से कोई नंबर बोरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद 0 है. ठीक है, तो यहाँ से हम बोरो करना स्टार्ट करेंगे. 2 ने 1 जो है वो बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 2 के पास 1. 1 एंड 0 क्या हो जाता है 10. 10 में से अगेन 1 बोरो कर दिया, यहाँ क्या रह गया, रिमेनिंग 9. इसी तरीके से 1 एंड 0 10 हो गया, 10 कितने अगेन 1 बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 9. अगेन 10 बन चुका है, 10 ने अगेन 1 बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 9. अगेन ये 10 है, 10 ने 1 बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया 9. ओके, इसी तरीके से 1 एंड 3 क्या बन जाता है हमारा 13. जब आप 13 में से 7 को लेस करते हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाता है, हम काउंट कर लेते हैं. 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 आपका यहाँ आ रहा है, हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्या रह गया रिमेनिंग आपके पास 6. जब आप 13 में से 7 को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 6. क्लियर है बात. 9 में से 8 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 1. 9 में से 3 को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया 6. देन 9 हमने एज इट इज राइट किया, अगेन 9 राइट किया, और 1 हमने एज इट इज राइट कर लिया, क्योंकि उसके नीचे कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसमें से हम उसको लेस करें. सो स्टूडेंट, 20,360 में से जब आपने 38,745 को लेस किया तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया 19,961,615, और ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर. क्लियर है बात. नाउ सी, सी में आपके पास क्या गिवन है, 4,351 माइनस 25,689. तो हम पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट करेंगे, 4,351 देन 25,689. ओके, देन हम लेस करेंगे लाइक दिस. वन में से नाइन लेस नहीं हो सकता है तो हम बोरो करेंगे. फाइव से वन बोरो कर लिया हमने, फाइव के बाद रिमेनिंग क्या रह गया, फोर. वन एंड वन इलेवन हो जाता है, इलेवन में से नाइन को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, टू. क्लियर है. फोर में से एट लेस नहीं हो सकता, अगेन जो है नेक्स्ट नंबर से हम वन बोरो कर लेंगे और नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास थ्री था, रिमेनिंग क्या रह गया, टू. वन एंड फोर क्या हो जाता है, फोर्टीन. फोर्टीन में से जब आप एट लेस करते हो तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिक्स. देन टू में से सिक्स जो है वो लेस नहीं हो सकता तो हम बोरो करेंगे. आपके पास थ्री जीरो गिवन है, उसके बाद फोर गिवन है तो हम फोर से बोरो करना स्टार्ट करेंगे. फोर ने वन बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया, थ्री. वन एंड जीरो टेन हो जाता है, टेन ने वन बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया, नाइन. अगेन वन एंड जीरो टेन हो जाता है, टेन ने अगेन वन बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया, नाइन. और अगेन वन टेन ने बोरो कर दिया तो रिमेनिंग क्या रह गया, नाइन. नाउ ट्वेल्व में से जब आपने सिक्स को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया, सिक्स. नाइन में से फाइव को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, फोर. नाइन में से टू को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, सेवन. देन नाइन एंड थ्री आपने एज इट इज राइट कर लिए क्योंकि वहाँ कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसमें से आप उसको लेस करो. तो जब आपने 4,351 में से 25,689 को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया, 3,974,662. और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर. क्लियर है बात. नाउ पार्ट डी. पार्ट डी में आपके पास क्या गिवन है, 86,003,840 माइनस 6,517,298. सबसे पहले हम इसको वर्टिकल वे में राइट करेंगे, देन हम सबट्रैक्ट करेंगे. 86,003,840 इसमें से लेस कर देंगे, 6,517,298. ओके, लेस करेंगे हम. ओके, फोर में से जब एट को लेस करेंगे तो वो लेस नहीं हो सकता तो हम नेक्स्ट नंबर से बोरो कर लेंगे. वन हमने बोरो कर लिया, रिमेनिंग क्या रह गया, जीरो. फोर्टीन में से जब आप एट लेस करोगे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिक्स. जीरो में से नाइन लेस नहीं हो सकता, अगेन हम बोरो कर लेंगे. वन हमने बोरो कर लिया, क्या रह गया, रिमेनिंग सेवन. टेन में से नाइन को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, वन. सेवन में से टू को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, फाइव. ठीक है, थ्री में से सेवन को लेस किया तो वो लेस नहीं हो सकता तो हम बोरो करेंगे. बोरो हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ जीरो गिवन है. सिक्स ने वन बोरो कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया, फाइव. देन वन एंड जीरो टेन हो जाता है, टेन ने अगेन वन बोरो कर दिया, रिमेनिंग रह गया नाइन. देन अगेन टेन ने वन बोरो कर दिया तो रिमेनिंग क्या रह गया, नाइन. थर्टीन में से जब आप सेवन लेस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाता है, सेवन के बाद एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, यानी कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, सिक्स. देन नाइन में से वन को लेस किया, रिमेनिंग क्या रह गया, एट. देन नाइन में से फाइव को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, फोर. फाइव में से सिक्स लेस नहीं हो सकता, अगेन वन हमने बोरो किया. नेक्स्ट नंबर से यहाँ क्या रह गया, रिमेनिंग सेवन क्योंकि वहाँ एट था. फिफ्टीन में से जब आप सिक्स को लेस करोगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, सिक्स के बाद सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, यानी कि वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन. कितना रिमेनिंग रह गया, नाइन. और सेवन हमने एज इट इज राइट कर लिया क्योंकि उसके नीचे कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसमें से हम उसको लेस कर सकें. ओके, सो स्टूडेंट, जब हमने 86,003,814 में से 6,517,298 को लेस किया तो रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, 79,486,516 रिमेनिंग रह गया. और आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, यह हमारा जो है डी पार्ट कंप्लीट हो चुका है. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके पास जो टोटल पार्ट गिवन है वो है ए टिल एफ तक गिवन है. ठीक है, आज हमने जिस पे वर्क किया है वो है ए, बी, सी एंड डी. डी तक मैं वर्क करवा चुकी हूँ. ई पार्ट आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे इन योर होमवर्क. ठीक है, ई पार्ट आप खुद से अटैम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क और एफ पार्ट हम यहाँ नहीं करेंगे. अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके पास जो गिवन पार्ट है वो है ए टिल एफ. ठीक है, आज जो हमने वर्क किया है वो ए टिल डी पे वर्क किया है. ई पार्ट आप खुद से अटैम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क. ओके, सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं, बहुत ईजी हैं, आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं अच्छे तरीके से. ओके, इसी वे में वर्क करना है जिस वे में मैंने आपको वर्क यहाँ शो किया है, बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए. ओके, टुडे क्लासेस फिनिश नाउ. थैंक यू.